टॉपिक होगा, समय और काम यानी कि टाइम एंड वर्क। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है हर एग्जाम के लिए, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का, आइए बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम आज हुआ, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ए भाई क्या हुआ, चलिए तो लिख लिया जी सब कोई, समय और काम, टाइम एंड वर्क। समय और काम, टाइम एंड वर्क। ओके, देखिए इस डोंट फुसफुस फुसफुस, ठीक है, ये फुसफुसाइए बात कुछ सीखिए आप, ठीक है। और ये आपका जो है सिलेबस का सेकेंड और लास्ट चैप्टर है, इसके बाद अंतिम चैप्टर आपका होगा एवरेज, उसके बाद अलविदा मेरे दोस्तों, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय बोलेंगे। ओके, जिनका जिनका जो कुछ भी छूटा होगा वो आकर के किसी ना किसी बैच में अटेंड कर लेंगे, या जिनका मन होगा हम रिविजन करें तो वो रिविजन क्लास ज्वाइन कर लेंगे। ओके, चलिए टाइम एंड वर्क में देखिए इसमें क्या होता है, समझिएगा भाई साहब, आप जितना जल्दी एलसीएम निकाल लेंगे, इसमें मेन है एलसीएम निकालना, जितना जल्दी हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे उतना जल्दी हम इन सभी सवालों का जवाब दे देंगे। कैसे देंगे समझिएगा, मान लीजिए दो आदमी है, एगो ए है और एगो बी है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ए जो है अकेला कोई काम करता है 20 दिन में, जबकि बी जो है वही काम अकेले कर देता है 15 दिन में। ठीक है, ए लेता है 20 दिन का समय और बी लेता है 15 दिन का समय, तो व्यक्ति सोचा कि अगर ए और बी दोनों को एक साथ अगर मैं काम पे रखूंगा तो ए और बी दोनों मिलकर लेंगे यानी कितना दिन, तो सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि जब दिन आपको मालूम हो तो आप मालूम कर ले काम कि आपके पास आखिर काम है कितना, तो काम वही होगा जो आपके दिन का लघुत्तम होगा, तो दिन है भाई कितना जी 20 दिन, उसके बाद 20 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब है कि मेरे पास कुल जो है 60 काम अवेलेबल हैं, तो अगर ए जो है 60 काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में इसके द्वारा इतना काम होगा, यानी 20 से यानी 60 में भाग देंगे तो आएगा कितना जी, यानी ए द्वारा एक दिन में होगा 3 काम। अच्छा, बी द्वारा 60 काम होने में इतना दिन लगता है जी, तो इससे भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा 4, यानी बी द्वारा एक दिन में होगा कोई वो काम जी 4 काम। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति जब एक साथ जुटेंगे, एक साथ मिलेंगे तो उनका शरीर तो नहीं मिलेगा लेकिन उस इंसान का क्षमता जुट जाएगा, तो एक का क्षमता क्या है जी, एक द्वारा एक दिन में 3 काम, बी द्वारा एक दिन में, तो अगर दोनों मिलेंगे तो एक दिन में होगा कितना काम, तो एक दिन में अगर 7 काम होगा तो मेरे पास काम है कितना, तो 60 काम करने में दिन लगेगा 60/7 यानी 8 × 4/7 दिन का समय लगेगा। बोलिएगा समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में, तो फिर लिखिए सवाल, जितना जल्दी एलसीएम निकालेंगे उतना जल्दी आप सवालों का जवाब दे सकते हैं, तो नहीं करके राम अकेला कोई काम, राम अकेला कोई काम 10 दिनों में पूरा कर सकता है, राम अकेला कोई काम 10 दिनों में पूरा कर सकता है, हो गया 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि अकेला श्याम वही काम 15 दिनों में पूरा
कर सकता है, जबकि अकेला श्याम वही काम 15 दिनों में पूरा कर सकता है तो बताएं कि राम और श्याम दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। बोलिए अंशु जी, क्या कह रहा है जी सवाल? देखिए, राम अकेले रहेगा तो काम होगा 10 दिन में, आगे बोलिए, जबकि अकेला श्याम वही काम, श्याम अकेले रहेगा तो 15 दिन में होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कुल काम, तो 10 और 15 का लघुत्तम बताओ, 10 और 15 का लघुत्तम यानी कुल काम हो गया 30, 10 से भाग देंगे 30 में तो कितना आएगा 3। राम द्वारा एक दिन में होगा जी 3 काम, और इससे भाग देंगे तो 2, तो इसका मतलब है श्याम द्वारा एक दिन में 2 काम, तो राम द्वारा 3 काम, श्याम द्वारा 2 काम, दोनों मिलेंगे तो 3 और 2 एक दिन में 5 काम होगा, तो 30 काम करने में 30/5 यानी कि 6 दिन का समय है। ओके, एक दो और बने लिखेंगे। बोले ए अकेला कोई काम, दस दिनों में पूरा कर सकता है, कौमा, जबकि अकेला भी वही काम, बारह दिनों में पूरा कर सकता है, तथा अकेला सी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बताएं कि ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। बताइए, 4 दिन वाह, कमाल कर दिया आप लोग भाई, इतिहास पर इतिहास रचते जा रहे हैं। बोलिए, एक अकेले लेता है 10 दिन का समय, बी अकेले लेता है 12 दिन का समय, और सी अकेले लेता है, तो अगर इस हिसाब से लेते हैं तो अगर तीनों मिलेंगे ए जोर बी जोर सी तो कितना दिन लगेगा, बराबर में 8 दिन। तो सबसे पहले निकालो कुल काम, तो 10, 12, 15 का लघुत्तम क्या होगा जी 60 होगा, यानी कि कुल काम बराबर 60 हो, 10 से भाग देंगे 6 बार, 12 से 5 बार, और इससे जाएगा यानी ए द्वारा 6 काम, बी द्वारा 5 काम, सी द्वारा, अब सब मिल के तो मिलना माने क्या होता है जोड़ना, तो जोड़िए 6, 5, 11, 11, 4 एक दिन में अगर होगा जी 15 काम तो 60 काम करने में दिन लगेगा, कैगो जी 4, कोई दिक्कत है? तो एक और बनाइए, उसके बाद हम लोग वैरायटी बदल देंगे का जी। हाँ लिखिए, मुरेठा मान के एकदम पूरा टाइट है जवान, मुरेठा पड़ जाएगा का
चलिए बॉर्डर पर जाएगा। लिखेंगे सवाल, लिखिएगा सवाल है, एक अकेली महिला एक कुएं को 12 दिनों में खोद सकती हैं। एक अकेली महिला एक कुएं को 12 दिनों में खोद सकती हैं, जबकि लड़का अकेला उस कुएं को 18 दिनों में खोद सकता है, 18 दिनों में खोद सकता है तो हो गया, खोद सकता है तो बताएं कि महिला और लड़का दोनों एक साथ मिलकर तो बताएं कि महिला और लड़का दोनों एक साथ मिलकर उस कुएं को कितने दिनों में खोदेंगे। महिला और लड़का एक साथ मिलकर उस कुएं को कितने दिनों में खोदेंगे। अच्छा कहाँ सो मच्छर मारने में लगे हो। बोलिए जी भाई साहब, बोलिए तो सवाल। एक अकेली कुएं को 12 दिन में खोदती है, आगे बोलिए। लेकिन लड़का अगर रहा ना तो लड़का उसी कुएं को 18 दिनों में खोदेगा। तो एक व्यक्ति सोचा कि अगर महिला और लड़का दोनों को रखेंगे तो कितना दिन लगेगा। तो सबसे पहले निकालो कुल काम, यानी 12-18 का लघुत्तम बताओ मेरे सुगा, कितना होगा। अच्छा 12 से ये जाएगा कितने बार में, तो महिला द्वारा एक दिन में 3 काम, और 18 से जाएगा 2 बार में, तो लड़का द्वारा एक दिन में 2 काम। तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि इसमें आलसी कौन है, महिला की बच्चा। वेरी गुड, इतना तो आप समझ ही रहे क्योंकि आप लोग भी आलसी नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए तो महिला द्वारा 3 काम, बच्चा द्वारा 2 काम मिलेंगे तो 3 × 2 तो एक दिन में 5 काम, तो 36 काम करने में 36/5 यानी कि 7.1/5 आया समझ में। चलिए वैरायटी बदल दें तो लिखेंगे टाइप दूसरा, सब कोई लिखेगा टाइप दूसरा। क्या हो छाला बाबू सर में नानू हम आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे टाइप नेक्स्ट। क्या विनाश राजा ठीक है ना। चलिए देखिए भाई साहब अगला है, समझिएगा अच्छे से कंसेप्ट पहले लीजिए। अब कहेगा कि ए और बी एक साथ मिलकर कोई काम किए 8 दिन में, ठीक है। और तब कहेगा कि ए अकेले उस काम को किया है 12 दिन में, तो इस हिसाब से बताओ कि बी लेगा कितना दिन। ए और बी मिलकर लिया है 8 दिन, ए अकेले लेता है 12 दिन, तो बी लेगा वाट दिन। बी का वैल्यू हमें निकालना है, समझिएगा आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपका धर्म सिद्ध अधिकार है कि आप निकालो जी कुल काम, और कुल काम वही होगा जो दिन का लघुत्तम होगा। तो 8 दिन 12 दिन लघुत्तम बताओ, यानी कि कुल काम है कितना,
8 से भाग दें कितना बार में जाएगा, यानी ए और बी द्वारा एक दिन में होगा 3 काम। 12 से भाग देंगे तो ए द्वारा होगा एक दिन में कितना काम जी, हमको तो बी निकालना है ना। एगो बात बताइए हमार सुगा, अगर ए जोड़ बी में से अगर ए घटा देम तब बची के तो ए आ बी द्वारा एक दिन में 3 काम, आ ए द्वारा एक दिन में तो अगर हम 3 में से 2 घटाएंगे तो आया कितना, तो एक आया ए का कि बी का, तो बी द्वारा अगर एक दिन में एगो होगा भाई साहब काम, तो आपके पास कितने काम है, तो यानी कि ये हो गया कितना दिन, 24/1 मतलब कितना दिन लगा, बोलिए कोई आपत्ति हो तो बताइए, बोलिए। जब एक साइड आदमी का संख्या ज्यादा हो एक साइड कम हो तो घटा करके बनाएंगे, मेरे कहने का मतलब ये कि अगर ए और बी के यानी कि क्षमता में से ए का क्षमता निकालेंगे तो बी का निकल जाएगा, अब बी का जो निकल के आएगा उसे भाग देंगे तो दिन में बदल देंगे, आया समझना। तो देखिए कुल काल 24 है, हाँ, तो देखिए कुल काम 24 है, मतलब कि ए भी इतना ही काम करता है, बी भी इतना ही काम करता है, चाहे ए और बी अगर मिलेंगे भी तो भी यही काम करेंगे, काम वही है, काम एक गो है। आपके मित्र कहाँ है जी, मालूम नहीं, बाप रे बाप, कॉल नहीं उठाया है ऐसा का, उसके जीवन में कुछ नया चीज आया है का, नहीं आया ना, लगन है कि चलिए अगला लिखे, सवाल लिखे भाई साहब, सवाल लिखेंगे भाई साहब, बोले तो लिखिए सवाल लिखेंगे, सवाल कह रहा है कि दिनेश और सुरेश एक साथ मिलकर, दिनेश और सुरेश एक साथ मिलकर कोई काम 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दिनेश और सुरेश एक साथ मिलकर कोई काम 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, हो गया, जबकि अकेला सुरेश, जबकि अकेला सुरेश उसी काम को, जबकि अकेला सुरेश उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि अकेला सुरेश उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तो, कर सकता है तो बताएं कि अकेला दिनेश, तो बताएं कि अकेला दिनेश उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, हाँ तो बताएं कि अकेला दिनेश उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, 30 दिन, कमाल हो गया भाई, गलत, जबरदस्त, क्या सुभाव, 5 दिन, जिंदाबाद है भाई, वाह, ठंड ढूंढ आपको नहीं लग रहा है जी, अच्छा अंदर है, मतलब हाथी के दांत वाला कहानी है, दू गो एगो देखावे के एगो खाए के, तारा पांडे जी अंदर बा व्यवस्था है ना, तो कुछ ना नहीं क्या ठीक, थोड़ा सा तेन क्या, चलिए बोलिए ए जी, देखिए इधर बोलिए, अंशुआ के तो जारे नहीं खेला गल है, अंशुआ के जार भाग गई बा, मैं डेढ़ लाख था कह, तो बोलिए क्या बोल रहा जी, दिनेश और सुरेश मिलकर कोई काम 12 दिन, ओके 12 दिन में, आगे बोलिए, जबकि सुरेश अकेला 20 दिन में, तो हमको निकालना क्या है जी,
अकेले दिनेशवा कितना दिन लेगा? सिंपल सी बात है, इस कैल्शियम निकालेंगे 12 है 20 से लघुत्तम में, बताओ मेरे भाई, तो कुल काम बराबर 60 हो, यानी 12 से भाग देंगे और 20 से भाग देंगे, तो अगर हम दिनेश और सुरेश दो आदमी है, उसमें से सुरेश मर जाएगा तो कौन बचेगा? यानी सुरेश घट जाएगा तो कौन बचेगा? दिनेश। तो यानी दिनेश जो सुरेश 5 है और सुरेश है कितना, तो 5 में से 3 जाएगा, तो दिनेश द्वारा एक दिन में अगर 2 काम होता है तो 60 काम करने में 60/2 का मतलब मेरे भाई 30 दिन होगा। आंसर 30 डे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? ओके एक निकालिए लिखेंगे। एक पिता और पुत्र एक साथ मिलकर, एक पिता और पुत्र एक साथ मिलकर कोई काम, एक साथ मिलकर हो गया कोई काम 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि पुत्र अकेला उस काम को, जबकि पुत्र अकेला उस काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है, 48 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बताएं कि 48 दिनों में पूरा कर सकता है तो बताएं कि हो गया, पापा अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? पिता अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? कै दिन होगा जी? 16 दिन। वाह कमाल। सोलह दिन। वेरी गुड। बोलिए सवाल बोलिए। पिता और पुत्र एक साथ मिलकर कोई काम 12 दिन में, फादर एंड सन अगर मिलेंगे तो वर्क होगा 12 दिन में, जबकि पुत्र अकेला, लेकिन वो नादान बालक अगर अकेले रहेगा तो दिन लगेगा कैगो जी? तो जो फादर है कितना दिन लेंगे? बराबर 8 दिन। सिंपल सी बात है, दिन का लघुत्तम निकालो 12 है 48 है, लघुत्तम कैगो? एक मतलब की कुल काम हमनी के लगे 48 से जो उपलब्ध हो भाई, 12 से 48 में भाग देव कई बार में जाइयो, तो ये हो गया 12 × 4 और 48 से भाग देंगे एक बार, कितने बार में जाएगा एक बार में? तो बताइए अगर हम फादर और सन में से फादर घटाएंगे तो कौन बचेगा? तो फादर और सन मिलकर है कितना, सन अकेला है कितना, तो 4 में से 1 जाएगा, तो एक दिन में अगर होगा 3 काम तो 48 काम करने में 48/3 का मतलब 16 दिन। क्या अभी भी कोई आपत्ति है? है जी, दिक्कत है नहीं ना है? तो बनाइए फिर इसको, जो बनाएगा वही बाहुबली कहलाएगा। लिखिए बाहुबली बनने का सुनहरा मौका, ठीक है, और नहीं जो बनाएगा वो बनेगा फलाल देव। तू बनेगा फलाल देव? वाह, वो तो है जो फलाल देव बनने की इच्छा रखता है। ठीक है लिखिए। राजा था ना? हाँ राजा था, लेकिन राजा जी बना कौन? वही ना, मर गया बाहुबली का हमारा, फिर उसके उसका नहीं होता है बाप, बेटा सॉरी बेटा, तो मर जाता है ना जी, जज्बाते बदल देते। चलिए सवाल लिखिए, सवाल लिखिए। बोले जी
सांड से लड़ाई करेगा। ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर, ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर कोई काम हो गया, ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर कोई काम आठ दिनों में पूरा कर सकते हैं, आठ दिनों में पूरा कर सकते हैं, हो गया कर सकते हैं, जबकि अकेला ए उस काम को, जबकि अकेला ए उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि अकेला ए उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, कॉमा सी अकेला उस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, सी अकेला उस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, तो कर सकता है तो बताएं कि अकेला बी, तो बताएं कि अकेला बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, तो बताएं कि अकेला बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। अंशु जी बोलिए। ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर कोई काम आठ दिनों में, ए जोर बी जोर सी इक्वल टू कितने दिन लगा जी, आठ दिन, बहुत सुंदर, आगे बोलिए। जबकि अकेला ए उस काम को 12 दिनों में पूरा कर, ए रहेगा तो 12 दिन लगेगा, आगे बोलिए। अकेला उस काम को 16 दिन में पूरा कर, सी रहेगा तो 16 दिन लेगा, तो इस हिसाब से दिन बताना है किसका जी, बी का, बी बराबर पाके, सिंपल, आठ बारह सोलह का लघुत्तम बताओ, यानी कि मेरे पास कुल काम जो उपलब्ध है वो 48 है, आठ से 48 में भाग दें कितना बार में जाएगा, 12 से भाग देंगे और 16 से भाग देंगे, तो ए जोर बी जोर सी द्वारा एक दिन में, एक दिन में, और ये द्वारा एक दिन में, यदि यहाँ पर मिस्टेक है, ये 12 दिन न होकर के आप इसको बना लीजिए जी 24 यानी कि 24, मिस्टेक है यहाँ पे, 24 माइनस में आ जाता, ठीक है चलिए, तो ये जाएगा कितना बार में जी, दो बार में, तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा एक दिन में 6 काम, ए द्वारा 2 काम, सी द्वारा है 3 काम, तो ए या सी द्वारा मिलकर 5 काम, तो अगर ए बी सी में से ए सी घटाएंगे तो कौन बचेगा, तो यानी कि 6 में से 2 बार 3 5 जाएगा तो कै गो, तो एक गो, तो एक दिन में एक काम, तो 48 काम करने में 48 बटे एक यानी 48, उससे भी 48 आया होगा लेकिन वो आएगा माइनस 48, ठीक है दिन का भी माइनस में, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था। आगे बढ़े आप, अगला लिखिए, टाइप नेक्स्ट होगा, जितना भी क्वेश्चन लिखवा रहा है ना सब इम्पोर्टेंट है, बैंक एसएससी रेलवे हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है बारीकी से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा ये बड़ा भी चैप्टर है, लिखेंगे भाई साहब सवाल लिखिएगा, आराम तथा श्याम एक साथ मिलकर जी, टाइप नेक्स्ट है, आराम तथा श्याम एक साथ मिलकर किसी काम को, आराम तथा श्याम एक साथ मिलकर किसी काम को एक निश्चित दिनों में पूरा करते हैं, एक साथ मिलकर उस काम को एक निश्चित दिनों में पूरा करते हैं, हो गया एक निश्चित दिनों में पूरा करते हैं, राम अकेला उससे,
राम अकेला उससे 9 दिन अधिक लेता है। राम अकेला उससे 9 दिन अधिक लेता है, जबकि हो गया, जबकि अकेला श्याम, जबकि अकेला श्याम उससे 16 दिन अधिक लेता है, जबकि अकेला श्याम उससे 16 दिन अधिक लेता है तो अधिक लेता है तो वह निश्चित दिन बतावे, तो वह निश्चित दिन बतावे, हो गया, तो वह निश्चित दिन बतावे। चलिए सवाल को अति समझेंगे। बोलो जी आयुष आशुतोष बोलो। राम राम श्याम तो मैंने ये माना कि राम और श्याम दोनों एक साथ मिलकर निश्चित दिन मतलब 1 दिनों में कंप्लीट करते होंगे। राम अगर 9 दिन अधिक लेता है तो राम 9 दिन अधिक लेता है, मतलब कि राम लेता है 1 जोड़ 9 दिन। आगे बोलो। श्याम 16 दिन अधिक लेता है तो श्याम 16 दिन अधिक लेता है, मतलब कि श्याम लेगा 1 जोड़ 16 दिन। तो बताओ निकालना क्या है। निश्चित दिन यानी x का वैल्यू हमें निकालना है। भाई साहब अगर हम लोग इसे डिटेल से मनाएंगे तो ये बन जाएगा द्विघात इक्वेशन, थोड़ा सा थी नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए डायरेक्ट आप एक सूत्र लिख ले गए। ये अगर हम डिटेल से बनाएंगे तो इसका आवश्यकता है, अन्यथा इसका जरूरत हमें नहीं है। डायरेक्ट एक सूत्र लिखेंगे, सूत्र होगा रूट अंडर मोर गुने मोर। मोर माने क्या होता है, ज्यादा अधिक की कम, अधिक यानी हम ये बोल सकते हैं कि रूट में रख देंगे रूट अंडर अधिक अगुने अधिक, यानी जो जो अधिक अधिक दिन है उसे रूट में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो एक गोरा लेता है 9 दिन अधिक और एक गोरा लेता है 16 दिन अधिक, 16 नवा और इसका रूट बताओ मेरे भाई 12, यानी आंसर होगा वो निश्चित दिन कौन सा है, 12 दिन है। ठीक है, तो सूत्र वही लगाएंगे रूट अंडर मोर गुने मोर यानी अधिक गुने अधिक। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।